सभी मित्रों को नमस्कार। मैं ध्रुव लाल यादव, भोजपुरी सिनेमा टीवी टच, गणेश नगर, नई दिल्ली। दोस्तों, भोजपुरी लोकगीतों में मैकिंग से रिलेटेड बहुत ढेर सारा अपडेट आप लोगों के बीच में बीसीटी के माध्यम से हमेशा से देने की कोशिश करता हूं। और आज एक बहुत ही विशेष व महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे चैनल पे बहुत ढेर सारे मित्र जो देखते हैं वो लोकगीतों में, सिनेमा में काम करने वाले ज़्यादातर मित्र होते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा फोकस है, पहले ही बता देता हूं, क्योंकि हमारे बहुत ढेर सारे मित्र वीडियो स्किप करके चले जाते हैं, बता देता हूं कि भोजपुरी सिंगरों का कमाई कैसे हो सकता है, मतलब किन किन प्लेटफॉर्मों से होता है और कितने प्रकार से वो कमा सकते हैं, क्या क्या रास्ता है पैसा कमाने का। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं भोजपुरी लोकगीतों में, सिंगिंग करने आते हैं, गाना गाते हैं, तमाम पैसे लगा देते हैं, तो उसको कमाया कहाँ से जा सकता है, ये भी फोकस करने वाली बात होती है। क्योंकि हमारे बहुत ढेर सारे मित्र जब कॉल करते हैं, स्टूडियो आते हैं, तो बोलते हैं भैया, हम इतना पैसा लगाते हैं तो हम कमाएंगे कैसे, कहाँ से हमारा पैसा लौटेगा, या जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिकवरी कैसे होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो इस पर बनाया जाए और हमारे ढेर सारे मित्र जो जानना चाहते हैं उन तक ये जानकारी पहुँचाया जाए। दोस्तों, पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं गायकी में, भोजपुरी में, सिंगिंग लाइन में, तो पैसा रिकवर करने का पांच माध्यम है, पांच तरीके से आप पैसा रिकवर कर सकते हैं। पहला रिकवर का माध्यम है, सबसे सटीक और आसान है, वो है प्रोग्राम का। अगर आप प्रोग्राम करते हैं तो वहां से पैसा रिकवर कर सकते हैं, उसके विषय में भी बातचीत करेंगे कि कैसे और कब मिलेगा आपको प्रोग्राम। और दूसरा माध्यम जो है, जब आपके गानों का वैल्यू बढ़ने लगता है, आपके ऑडियंस बढ़ जाते हैं, आपको चाहने वाले बढ़ जाते हैं, तो कंपनी से एग्रीमेंट करके कि हम आपके कंपनी के लिए इतना कंटेंट करके देंगे या इतना दिन गाएंगे, इतना रुपया लेंगे, इसके विषय में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में, बने रहिएगा। और जो तीसरा माध्यम है, इस पर फोकस करते हैं। ये तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हैं, म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटरिंग जो होता है, मतलब जो जैसे गाना हो गया, स्पोटिफाई हो गया, Amazon Prime Music हो गया, Instagram पे जाता है, Facebook पे जाता है, साथ साथ में जो है तमाम जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है म्यूजिक के इस टाइम पे, तो वहाँ से पैसे रिकवर होते हैं। इस विषय में भी हम आपसे बात करेंगे, इस विषय में भी हम आपको बताएंगे, बने रहिए वीडियो पर। और जो चौथा माध्यम है, चौथा माध्यम पर फोकस करते हैं। दोस्तों, चौथा माध्यम है कि जो ऑडियो वीडियो आप करते हैं, जब आप पॉपुलर हो जाते हैं या पॉपुलरिटी आपके इर्द गिर्द घूमने लगती है, तमाम कंपनियों को ऐसा लगने लगता है कि इस सिंगर के पीछे इन्वेस्ट करने पे हमें रेवेन्यू क्लियर हो जाएगा, रेवेन्यू अर्जित कर लेंगे, गेन कर लेंगे, तब आपसे जो है पर गाने के हिसाब से बोलते हैं कि भैया इतना पैसा आप ले लो और ये ऑडियो वीडियो मुझे दे दो, या इतना कंटेंट ऑडियो वीडियो मुझे चाहिए, तो इस पे भी आपके पैसे, अच्छे खासे पैसे आने शुरू हो जाते हैं, इसमें फास्ट आते हैं, इस विषय पर भी बात करेंगे। और जो पांचवा और आखिरी है, उस पर भी फोकस करते हैं। दोस्तों, पांचवा और आखिरी जो है वो बहुत कम लोगों को मिलता है, स्पॉन्सरशिप। अगर आप बहुत अच्छे गायक हैं और आपकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी खासी है, तो स्पॉन्सरशिप के माध्यम से भी आप पैसे अर्जित कर सकते हैं। यानी कि कोई स्टेज शो लगा रहे हैं या कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है आपका, तो कोई कंपनी बोलता है कि भैया आप हमारे ब्रांड को जो है लोगों के बीच में बोलिएगा, या अपने वीडियो के सामने इसको लगाइएगा, या हमारे इस प्रोडक्ट को अपने गाने के माध्यम से, अपने या बोली भाषा के माध्यम से बार बार रिप्रेजेंट करते रहिएगा, तो उस माध्यम से अच्छी खासी और मोटी कमाई हो जाती है सिंगरों की। तो दोस्तों, ये थी मोटा मोटी जो अर्निंग के तरीके हैं और रास्ते हैं। अब हम आते हैं विस्तार से, एक एक करके पूरा बड़े ढंग से बताते हैं कि किस तरीके से आप एक अच्छा पैसा कमा पाओगे। आते हैं पहले नंबर पर। दोस्तों, पहला नंबर है प्रोग्राम से पैसा कमाना सिंगरों का। प्रोग्राम जो होता है, जब आप परमानेंटली कंटेंट करते हैं और आपकी गायकी अच्छी खासी होती है और आपके अंदर कुछ ऐसा होता है कि अगर 100, 200, 500 बंदे बैठ के आपको सुन या देख रहे हैं, तो उनको जो है ऐसा कुछ मतलब कार्यक्रम होना चाहिए कि वो आप में इंटरेस्ट लेते रहें, यानी कि आपके प्रति उनका इंटरेस्ट बढ़ता रहे, तो धीरे धीरे करके आपका जो बजट होता है, पैसा होता है प्रोग्रामों में, बढ़ता जाता है। और जो ऑर्गेनाइजर होते हैं आपका डिमांड करने लगते हैं, जब ऑर्गेनाइजर को प्रॉफिट होता है या आपका पब्लिक रिकवरी बढ़िया होता है, तो धीरे धीरे आपको डिमांड करते हैं, और डिमांड करते करते आप अपना जो पैसा होता है, मतलब जो आप उनसे डिमांड करोगे कि भैया हम इतना पैसा लेंगे तब आपके प्रोग्राम में आएंगे, तो इससे धीरे धीरे आपकी अर्निंग में ग्रोथ हो जाता है और बढ़िया कमाई कर लेते हैं। और दोस्तों, दूसरा जो है कंपनी से एग्रीमेंट।
क्या होता है कि बहुत से सिंगर पहले तो इन्वेस्ट करते हैं, बढ़िया से गाते हैं, धीरे धीरे उनके गाने कुछ वायरल होने लगते हैं, चलने लगते हैं, कंपनियों को लगता है कि अगर हम इसके पीछे और थोड़ा मेहनत कर देंगे तो हम ज़्यादा कमा लेंगे, मतलब अच्छी खासी कमाई हमारी हो जाएगी। तो ऐसे सिंगरों को कंपनियां प्रपोजल देती हैं कि भैया आप हमारे यहाँ से एग्रीमेंट कर दो, पर साल मतलब वन ईयर का इतना देंगे, पर ईयर इतना पैसा देंगे, इस हिसाब से। मतलब वो तो खास करके जो अमाउंट होता है, जो पैसे होते हैं सिंगर के पब्लिक कैपेसिटी के हिसाब से या उसके जो व्यू होते हैं उसके हिसाब से पैसे लगाए जाते हैं, और कंपनियां डायरेक्ट बोलती हैं कि भैया एग्रीमेंट करो। मतलब वो लिखा जाता है पूरा, कोर्ट के माध्यम से एग्रीमेंट फाइल होता है, हम भी किए हैं कई सिंगरों को। तो वहां से क्या होता है कि भैया इतना पर साल आप लेते रहिएगा और इतने से इतना कंटेंट, मतलब कुछ चीज़ें होती है ना कि वो लिख लेते हैं कि भैया आप इतना पैसा हम आपको साल में देंगे, और अपने व्यवस्था के हिसाब से वो गवाते रहते हैं। और एक एग्रीमेंट दूसरे टाइप से भी होता है, हमारे बहुत से मित्र असमंजस में होंगे कि ये तो पैसा देके एग्रीमेंट करते हैं। एक एग्रीमेंट ऐसा होता है कि आप पैसा देके कंपनी को एग्रीमेंट करोगे कि हमें उस लायक बनाया जाए, क्योंकि जब तक आपके पहचान नहीं होगा, जब तक आपका मार्केट वैल्यू नहीं होगा, कोई कंपनी आपको पैसा देकर अपने यहाँ से नहीं गवाएगी। बहुत अच्छा खासा आप गाते होंगे तो ऐसा करेगा। आते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों, तीसरा ऑप्शन जो है, जो अभी मैंने बताया था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्या होता है, आप जो है डैशबोर्ड पे या जो भी व्यवस्था होता है, एक कंपनी के थ्रू, तमाम कंपनियां हैं जो डिजिटल देखती हैं, डिजिटल के माध्यम से आपका आइडियो जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर रिलीज किया जाता है। उससे क्या होता है कि हर एक म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर जो है आपके कंटेंट जाते हैं, और उसमें क्या हो जाता है, कोई कोई गाना जब वायरल होता है, वीडियो वायरल हो जाता है या यूट्यूब पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से वायरल हो जाता है, तो अच्छा खासा कमाई कर लेती है। तो वहाँ से भी जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो बोलते हैं कि भैया हमें अपना गाना आप देते रहिए और पर गाने के हिसाब से इतना पैसा लेते रहिए। डिस्ट्रीब्यूटरिंग जो करते हैं उनको पता चल जाता है कि इनका MP3 अगर इतना बढ़िया चल रहा है तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट डालेंगे तो और बढ़िया चलेगा। तो वो भी यही डन करते हैं कि भैया पर MP3 का हम आपको इतना पेमेंट देंगे। आप कहीं से भी रिलीज़ कर रहे हैं वो मैटर नहीं रखता, मैटर ये रखता है कि आपका MP3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बढ़िया चल रहा है, उससे कमाई हो रही है जो डिस्ट्रीब्यूटर है डिजिटल का। दोस्तों आते हैं अगले मैटर पे। दोस्तों चौथा है, इसमें एग्रीमेंट नहीं होता है, आपके व्यूज अच्छे जा रहे हैं, आप पॉपुलर हैं, आपको देखने वाले चाहने वाले ज्यादा हैं, तो तमाम कंपनियां आपसे बोलेंगी कि भैया इतना प्रोजेक्ट मुझे चाहिए, कितना पैसा लोगे। फिर आप जो डिमांड रखते हो अपने ऑडियो वीडियो का, बहुत ज़्यादा रख दोगे तब भी नहीं लेंगी। हाँ, इतना ध्यान रखना होता है कि हम कितने लेवल तक इस समय मार्केट में, हमारा मार्केट वैल्यू है कितना, पैसा अगर हम डिमांड करते हैं कंपनी से तो मुझे एक ऑडियो वीडियो का दे देगी। अगर आपका फैन फॉलोइंग अच्छा है तो धीरे धीरे आप अपना बढ़िया कंटेंट करते जाइए, वो कंपनियां आपको पेमेंट देती जाएंगी और आप अपना ऑडियो वीडियो बनाकर देते रहिए। उसमें क्या होता है कि ऑडियो वीडियो का खर्चा आप ही का होता है, उसको जोड़ के और अपना जोड़ के आप कंपनी से डिमांड कर सकते हैं, इससे एक अच्छी खासी कमाई होती है। और आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही है। आप छोटे मोटे ढेर सारे स्टारों को देख लोगे जो अभी ज़्यादा नहीं बचते, नॉर्मल बचते हैं, लेकिन अच्छा खासा व्यूज़ गेन करके देते हैं यूट्यूब चैनल पर, तो उनका यही चल रहा है। बहुत सी कंपनियों पे ऑडियो वीडियो आता होगा, आप देखते होंगे, वो यही करते हैं कि भैया इतना पैसा लेंगे एक ऑडियो वीडियो का, और उनको मिलता रहता है, देते रहते हैं। और जो अगला है, आखिरी है, स्पॉन्सरशिप, यानी कि पांचवा नंबर जो हमारा है पैसा कमाने के जो तरीके हमारे ढेर सारे सिंगरों के, स्पॉन्सरशिप। जब आप बहुत अच्छा गाते हैं, मतलब बलगरटी से दूर, यानी कि अश्लीलता से दूर अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लोग घर परिवार में बैठ के ढंग से सुन सकते हैं आपकी किसी भी ऑडियो वीडियो को, तो उनको जो तमाम तरह की कंपनियां होती हैं वो अपने प्रोडक्ट का स्पॉन्सर देती हैं, या बहुत अच्छा कार्यक्रम आप करते हो तो उसमें जो है आपको अपने प्रोडक्ट का स्पॉन्सर देंगे कि आप कार्यक्रम के बीच बीच में हमारे प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन करते रहिएगा इशारों में, या फ्लैग्स में लगा लीजिए, या वीडियो में आगे लगा दीजिएगा, या गाना गाते टाइम में उससे रिलेटेड मतलब बोल दीजिएगा। आपने देखा होगा बहुत से फिल्मों में तमाम जो ब्रांड फोकस किए जाते हैं ना, कि मान लिया महिंद्रा ट्रैक्टर है या महिंद्रा गाड़ी है, तो कंपनी वाले बोलेंगे कि अगर आपको मतलब खेत का सूट करना है, जुताई का सूट करना है, तो हमारा ट्रैक्टर ले लीजिए, हम इतना पैसा भी देंगे और हमारा ट्रैक्टर यूज़ कर लीजिए। मतलब यही होता है कि जब आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपके पीछे पब्लिक होती है, आपका वैल्यू होता है,
तो आपको कुछ चीज़ें दी जाती हैं कंपनियों की तरफ से स्पॉन्सर के तौर पे कि आप इसको ले लीजिए और हमारे प्रोडक्ट को बार बार प्रेजेंटेशन करते रहिएगा अपने प्रोग्राम में, या इतना पैसा ले लीजिए। यही सब तरीके हैं, और भी बहुत ढेर सारे तरीके हैं जिससे हमारे ढेर सारे मित्र बढ़िया गाने गा के अच्छा अर्निंग करते हैं, आए दिन बढ़िया कमाई हो जाता है उनका। तो आप भी अगर सिंगर हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छा गायकी है, तो बहुत ढेर सारे ऑप्शन हैं। हमारे पास भी स्टूडियो है, यहाँ से भी आप ऑडियो वीडियो कर सकते हैं। बहुत ढेर सारे मित्र हमारे यहाँ से गा भी रहे हैं आए दिन। हम देखो दिखावा बहुत कम करते हैं, ऐसा नहीं करते कि स्टूडियो में ये गा रहा है उनका गनवा करके जो है दिखाएं वीडियो में। आप डी स्टार स्टूडियो यूट्यूब पर सर्च करिए या बी सी टी म्यूजिक ऑफिशियल, कंटेंट जाता है, सबसे कम बजट का जाता है लेकिन बढ़िया बजट जाता है, बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आप लोगों के बीच में शेयर करने की कोशिश की है, आप लोग भली बात समझ पाए होंगे अच्छे से। और कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी जिज्ञासा है आपके मन में, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, उस पर भी हम विचार विमर्श करके कुछ कंटेंट देंगे आप लोगों के बीच में। तो बने रहिए BCT पर। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर देख रहे हैं, जो पहले से देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हमारे ढेर सारे मित्रों तक यह जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।